आज फिर मेयर पद को लेकर चुनाव होने हैं। पिछली बार जब इसी जगह पर ये चुनाव की प्रक्रिया हुई थी तो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस देखने को मिला था। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी से मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता। मैम, आज फिर एक बार वापस से मौका है वही मेयर चुनने का जो 6 जनवरी को पूरी पद्धति हुई थी दोहराई जाएगी, तो क्या लगता है आपको आज सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाएगा? देखिए, मेरा तो निवेदन है आम आदमी पार्टी के नेतागणों से कि वो अपनी हठ धर्मिता को छोड़ करके दिल्ली के हित में निर्णय लें और आज का हाउस बढ़िया से चले, सुचारू रूप से चले, सभी निगम पार्षद शपथ लें और उसके बाद जाकर के अपने क्षेत्र में अच्छे से काम कर सके, यही हम सबका मोटिव होना चाहिए। ये किसी बात की जिद पकड़ लेना, क्योंकि वो लोग बहुमत में हैं, उनके ज़्यादा पार्षद हैं तो वो संविधान को नहीं मानेंगे या DMC एक्ट के अकॉर्डिंगली काम नहीं चलने देंगे, तो ये गलत है। तो निश्चित रूप में काम जो हो वो एक्ट के अकॉर्डिंगली हो और जो एक्ट कहता है वो काम होने चाहिए। मैम, लेकिन लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा ही आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद हैं, नेता हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कार्रवाई सही तरीके से नहीं होने दिया, तो उनके आरोप में कितनी सच्चाई थी? देखिए, वो अगर पढ़े लिखे लोग हैं उनके नेता, तो उनके सामने जो एक्ट है वो उसको पढ़ सकते हैं। एक एक काम जो हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने 100% एक्ट को सपोर्ट में लेकर के काम किया है। हम लोग शुचिता की राजनीति करते हैं, हम कहीं से भी कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे। तो एक्ट पढ़ लीजिए ना, कौन सा एक अभी ऐसा काम बता दीजिए जो एक्ट में लिखा है और हमने नहीं किया हो, उसे फॉलो नहीं किया है। हम निश्चित रूप में पूरा का पूरा जो है काम, अपनी कार्यवाही एक्ट के अकॉर्डिंगली चाहते हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उसमें सपोर्ट करे। मैम, रेखा गुप्ता मेयर बनेंगी? निश्चित रूप में बनेंगी। अगर मैं चुनाव लड़ रही हूँ तो जीतने के लिए लड़ रही हूँ और मेरा जो निवेदन है वो जनता से, अपने निगम पार्षदों से है कि सभी निगम पार्षद अपने दिलो दिमाग से वोट करेंगे और मुझे चुनेंगे। थैंक यू। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो खड़ी इसीलिए हैं कि जीत उनको हो और वो चाहती हैं कि जिस तरीके से पूरी कार्रवाई है वो एक्ट के हिसाब से की जाए ताकि बेहतर तरीके से चुनाव को संपन्न कराया जाए।